नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिला स्थित त्योंथर में करोड़ों की लागत से बन रही वह रोड है जिसको बनाने के लिए सरकार ने इसकी लागत से अधिक पैसा पास किया है। त्योंथर तहसील की यह रोड बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तहसील के ज्यादातर गाँवों को न्यायालय और तहसील के साथ जिला मुख्यालय रीवा को भी जोड़ती है। ज्ञात हो कि यह रोड बंसल कंपनी द्वारा बनाई जा रही है। यही वजह है कि इस डबल लाइन मॉडर्न रोड को बनाने में काफी अनियमितताएं होने के बावजूद भी शासन और प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं है, न ही क्षेत्रीय विधायक इस पर ध्यान दे रहे हैं। बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बनाई जा रही सोहागी पचामा सड़क का पहली ही बरसात के पानी में खुल गई पोल। निर्माणाधीन बंसल कंपनी के लोग सांसद मंत्री के नाम का उपयोग कर घटिया सामग्री का उपयोग करके इस सड़क का निर्माण करा रहे हैं। पहली बरसात होते ही सड़क से पानी निकासी नहीं बने होने के कारण लोगों के घरों में कई फीट पानी भर गया और लोगों को अपना घर और मवेशियों को बचाने के साथ ही आवागमन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मॉनसून शुरू होने का काफी पहले असमय बूंदाबांदी ने ही इस सड़क के आसपास रह रहे लोगों का जीवन तितर बितर कर दिया और जल भराव के कारण विश्वकर्मा परिवार के घर की दीवार धराशायी हो गई। ऐसे में बरसात के समय यहाँ की स्थिति क्या होगी सोचकर रहवासियों को नींद नहीं आ रही है। यही नहीं, घटिया निर्माण के कारण पहले बरसात में ही कई जगह सड़कों में दरार आनी भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले पर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जल्द ही कंपनी के द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो लॉकडाउन खुलते ही एसडीएम को ज्ञापन देने के उपरांत उक्त मार्ग के आवागमन को अवरुद्ध कर अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए स्थानीय लोग सड़क पर उतरने की मीडिया के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं। पूरी खबर जल्द ही आपको हमारे न्यूज चैनल पर विस्तार सहित दिखाई जाएगी। रीवा त्योंथर से आशुतोष शुक्ला की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। ये है कंस्ट्रक्शन कंपनी में बनाया हुआ फेस वॉल। आइए हम आपके पास इसको दिखाते हैं कि कितना अच्छा बनाया गया है। ये हमारा फुटपाथ है जहाँ फुट रखने की जगह भी नहीं है। एक ऐसा पाथ जहाँ फुट के लिए जगह नहीं, फुटपाथ किस काम का। आइए ये दिखाते हैं आपको कितनी मजबूती से कितना अच्छा यहाँ पे काम किया गया है। ये देखिए, ये है, ये दूरी से समझ में आ रहा है, ये इसका फुटपाथ है, कितनी अच्छे से काम किया गया है। ये है यहाँ का ड्रेन सिस्टम जो नगर पालिका द्वारा लोगों की पानी निकलने के लिए बनाया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने मुनाफे के लिए इस ड्रेन सिस्टम को खत्म कर दिया, उसमें मिट्टी का भराव कर दिया गया। जैसा आप देख सकते हैं पूरी नाली यहाँ पे बैठ चुकी है और पानी निकलने की व्यवस्था नहीं। जिस हम बात करते हैं इस रोड के भुक्तभोगियों से, जिनको सरकार ने बोला था कि इस रोड के बन जाने से इन सबको काफी ज्यादा मुनाफा होगा, आइए हम इन्हीं से पूछते हैं इन्हें क्या क्या मुनाफा हुआ है इस रोड के बन जाने से। ये सर नदी का बालू लगाकर रोड चटक गई सर, जब से माटी डाल कोई सुनता नहीं, लोग अधिकारियों से बात करते तो आला जाला करके मुंह बांध करके चले जाते हैं सर जी। आज थोड़ी सी बारिश हुई, घर में पानी समा गए, हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाए बताइए। जैसे कि आप सब देख सकते हैं गर्मी के मौसम की पहली बारिश में ये हाल इन नालियों का, ये रास्तों का आप देख सकते हैं इसमें कि ना कोई व्यवस्था है ना कुछ। अगर पहली बारिश में रोड का और रास्तों का ये हाल है तो आने वाले समय में क्या होगा जब बरसात आएगी। नमस्कार, रीवा जिले के त्योंथर तहसील की एक ऐसी रोड है जो NH7 MPU की मॉडल को जोड़ती है और इस रोड का काम हमारे सांसद माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की कंपनी कर रही है। इस रोड का काम पूरा मनमाना तरीके से किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पे एक पैच वॉल का जगह छुड़ाया गया था जिससे अंडरग्राउंड टनल डल सके। कंपनी के मालिकों द्वारा बताया गया था कि ये आगे चल के काम हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे कोई सुनवाई न होने के कारण ये अभी पैच वॉल खत्म कर दिया गया। जैसे कि यहाँ के लोग में इनसे इस विषय पे चर्चा करता हूँ, तो इन लोगों को नाली का और नीचे का झांसा देके गुमराह किया गया कि आगे चल के हम आपकी नाली बनवा देंगे, पानी की व्यवस्था करवा देंगे, लेकिन उस हिसाब से कोई काम नहीं किया गया है। जब तरह घोरा है कि छत छत पर पड़ा है तो एक लड़के ने खाना बनाया कि नाली से पानी उलझने का लकड़ी नहीं था, उन्हें बोला है कहें कि नाली बनवाओ, नाली बनवाओ, चले गए मैं अच्छा खुलवाई थी। हाँ तुमने अच्छा ना खुलवाई की, चले गए चंदन टीका लगाई के लड़ा तो रहे तालाबों से कहें बनवाओ बनवाओ। जैसा कि बरसात का पानी इस साइड से इस खाली जगह में निकल सके इसके लिए यहाँ पे एक अंडरग्राउंड टनल बोंगे का व्यवस्था किया गया था, लेकिन कंपनी के द्वारा हर सिस्टम का खत्म कर दिया गया, उसके लिए आवंटित हुआ पैसा खा लिया गया। और जब यहाँ पे यहाँ के साइड इंचार्ज सुपरवाइजर इंजीनियर से बात करो तो उनका केवल एक ही आता है, भैया सांसद जी की रोड है, यहाँ किसी की नहीं चलेगी, मंत्री जी का काम है। जैसा कि अभी हम इस रोड के बारे में चर्चा ही कर रहे थे उसी समय
हमें एक ही परिवार मिला जिन्होंने जिसकी बारिश की वजह से ये दीवार ढह चुकी है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं पानी निकलने के रास्ता न होने की वजह से पानी का जो बहाव था पहली बारिश में उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। आइए बात करते हैं कि मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले ने आपसे बोला था कि यहाँ हम नाली बना के देंगे और रोड के नीचे पानी निकलने की व्यवस्था करके देंगे। जैसा कि ये लोग बताने के अनुसार कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑनर्स ने इन लोगों से बोला था कि हम आपके ड्रेन सिस्टम बनाएंगे जिससे बरसात का पानी इस साइड निकल सके, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं की गई है और पहली बारिश के पानी की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। नाली बनवा दे नाली बनवा नुकसान हो रहा है, कहाँ निकल जाए कहाँ चले जाए, देखा घर में कितना आ रहा है पानी, कुछ नहीं करेंगे उन्होंने घर गिरा दे रोड बना दे बस। चार दिन पहले बनाई रोड अगर फट सकती है तो इस रोड की क्या आशा कर सकें कि 5 साल या 10 साल चल जाएगी।